रॉकी, हमें बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए हमारा अफेयर फेक है। हमको ऐसे दिखाना है हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। या शर्वरी, तुम बराबर कह रही हो, हमको एकदम चौकन्ना रहना चाहिए। बाय द वे, हमें हमारी केमिस्ट्री भी अच्छी करनी पड़ेगी। इस सोसाइटी की औरतें बहुत चालू हैं, यू पकड़ लेगी हमें। उसका टेंशन तुम मत लो, मैं अभी तुमको प्रपोज करता हूँ और मेरी एक्टिंग दिखाता हूँ। बहुत अच्छा एक्टर हूँ मैं। अभी? यस, राइट नाउ। देखो, हे मिस ब्यूटीफुल, अपना हाथ तो मेरे हाथों में दो। तुम शर्माओ ना, पहले कुछ बात तो करो। बिना बात किए कैसे शर्माऊ मैं? शीला तो पहले ही शर्मा जाती थी। जब तक तुम कोई बात नहीं करोगे तब तक मैं कैसे शर्माऊंगी? तुम बात शुरू करो। ओके, मैं बोलता हूँ, उसके बाद शर्माना। जब से मैंने तुमको देखा है मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। तुम्हारी ये व्हाइट रेड साड़ी के ऊपर ये इयररिंग्स इतने सूट करते, मेरा दिल बर्फ के जैसे पिघल जाता है। तुम इस दुनिया की नहीं, पूरे यूनिवर्स की खूबसूरत लेडी हो। तुम्हारे आगे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड सबकी हीरोइनें फेल है। क्या बात करूँ तुम्हारी चाल का, उसका तो अलग ही खेल है। वाह, क्या बात है, तुमको तो कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत भी नहीं है। थैंक यू। उन दोनों का तो हो गया, अब खेल खेलने की बारी हमारी है। ऐसा खेल खेलेंगे पूरी सोसाइटी हार जाएगी। सोमू डार्लिंग, चाय तो लाओ। ये लो रॉकी बेबी। रॉकी बेबी, क्या बोल रहे हो सोमू तुम यार? सॉरी सॉरी, कल वो शर्वरी दिन भर रॉकी बेबी कर रही थी, मेरे कानों में वही बज रहा है, इसलिए मैं तुमको कहता हूँ कान जरा कम लगाया करो। सोशो। अच्छा सुनो, मम्मी अगले फ्राइडे आ रही है वापस। हाँ, वापस क्यों आ रही है? क्या क्यों, मम्मी को यह जगह पसंद आए, दैट्स व्हाई वो चाहती है वापस आना। पसंद तो आएगा ही ना, गांव में इतने सारे काम होते हैं, यहाँ पे काय के काम। मैं हूँ ही काम वाली, वहाँ पे काम करके थक जाती है, यहाँ आके बादाम खाती है। क्या बोली? कुछ नहीं कुछ नहीं। शर्वरी का रॉकी बेबी। रॉकी बेबी की सोना, जल्दी बाहर आओ ना। हाँ ना, पता नहीं कब आएंगे। आएंगे आएंगे शर्मिला बहन, उम्मीद रखी है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। थोड़े घर के काम भी किया कीजिए। सासू माँ, मैंने सारा काम कर लिया है। हाँ, सारे काम हो गए। 1 मिनट। अगो भाई। भाई भाई, ये तो सिर्फ एक है, ऐसे कई सारी तेरी सुनहरी जुल्फे घर में मंडरा रही है। जा जाके झाड़ू मार। पर मैंने अभी झाड़ू मारा है। फिर एक बार मारेगी तो बूढ़ी नहीं हो जाएगी? खुद तो हो गई हो बूढ़ी, दूसरों को क्यों कर रही हो? मैनर्स ले सौरा, अपना छछुंदर जैसा मुंह बंद रख। श्रेया की दादी, क्या आप बार बार मेरे मुंह पे कमेंट करते हो? तेरे मुंह को तो सीमेंट लगा के चुप करना चाहिए। चलता ही रहता है। चलता है तो चलने दीजिए, आपका दिल क्यों जलता है? वैसे भी मेरा मुंह ब्रांडेड है, मेरा घर ब्रांडेड है, पति ब्रांडेड है, बेटी ब्रांडेड है, सास नहीं ब्रांडेड, इग्नोर हर, सब ब्रांडेड हमारा। मेरा मुंह तो मेरी शान है। अच्छा सुनो, तुम यहीं पे रुको, मैं फेक कॉल का नाटक करती हूँ, ऐसा दिखाती हूँ जैसे तुम मेरे साथ बात कर रहे हो, ठीक है? ठीक है, आराम से आ बेटा, गिर जाएगी। आज बहुत मजा आने वाला है, जोया दीदी मुझे नया स्टेप सिखाने वाली है। हाय, ये देखो श्रेया की दादी। हाँ सुने ना, ये देखो श्रेया की दादी तुमको बुला रही है। काय श्रेया की दादी? भाग गई, जैसे हमें देखती है भाग जाती है। क्यों? पता नहीं, शैतान जो आ गई। चलो चलो आराम से आ, लिफ्ट ही नहीं आपकी सोसाइटी में। कितनी ठंडी बज रही है। डांस क्लास ना? हाँ ना। हेलो सुने ना। हेलो सुनियो की मम्मी। सुनियो की मम्मी? सुनियो की मम्मी कौन से वाले? सुनियो की मम्मी वो डोरेमोन वाला सुनियो। अच्छा वो। सुनिए ना बेटा, कितनी बार मैंने तुझको बोला है बड़ों से ऐसी बात नहीं करने का। चलो ऊपर खड़ी रहे, अब यहाँ पे आराम से मस्ती करती रहती है। आइए सुनैना की मम्मी, आओ सुनैना। हेलो जवादी जी। क्या बात है, ठंडी ज्यादा लग रही है? बहुत ठंडी लग रही है।
पर आज तो तुम एकदम टाइम पे आ गई हो। आज भी लेट हो जाता पर वो चोबे जी का कुत्ता मम्मी के पीछे पड़ गया। मम्मी भागी, मैं भी भागी, इसकी वजह से जल्दी आ गई। रोज ही लगना चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप? उसी बहाने जल्दी तो आओगे आप। मजाक कर रहे हो? आप मजाक भी कर लेती हो। क्यों, मैं मजाक नहीं कर सकती, आप जैसे इंसान हूँ मैं। नहीं, हमेशा सीरियस ही रहती हूँ इसलिए पूछा। हाँ बोलो, आ गए क्या बाहर? आ गए। हेलो शर्वेदी जी। शर्वेदी जी फोन पे बीजी। ना ना, आज बहुत बोर हो रहा है। सुना ही नहीं दे रहा ठीक से। इधर से आवाज नहीं आ रही, तुम हटो उधर से, उधर से करीब है, मैं सुनती हूँ। ठीक है ठीक है, तुम माही रोज में? हाँ वो तो हूँ मैं, चुप बैठो जरा। रॉकी बेबी। बेबी क्या होता है? उनका बेबी है। सुनिए ना कि मम्मी, आप इसको अंदर लेके जाइए। हाँ बेटा अंदर जाओ। बेबी किसे बोल रही वो? सुने ना, अंदर जाओ। ये मुझे सुनना है। नहीं ना, जा अंदर जल्दी। मम्मी आप भी आओ अंदर। आओ अंदर। हाँ आती हूँ मैं भी। मुझे भी नहीं सुनने देगी। एक काम करते हैं ना, हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं। क्या बोल रही है लोया जी? कोलकाता वाली का अफेयर चल रहा है। मुझे खुद नहीं पता। अच्छा नहीं, आप उसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना, इसलिए पूछा। बेस्ट फ्रेंड को सब पता होता है एक दूसरे का। फिर जाने तो कोई नहीं, गार्डन में चले। क्या बोल रही है? मैं तैयार होती हूँ, तुम आ जाओ। कुछ पता चला? शांत बैठो ना जरा, रिकॉर्डिंग कर रहे हो कान में, क्यों बीच में बोल रही हो? बताऊंगी बाद में। मैं ही पूछती हूँ। शर्वरी जी के? किसका कॉल था? रॉकी बेबी का। बाबू। भाई बेबी क्या बात कर रही थी आप? सोसाइटी में बहुत बोर हो रही हूँ, सोचा जरा घूमने जाओ। घूमने कहाँ पे? शाम को गार्डन में जा रहे हैं। हमें भी लेके जाइए, फ्री में नहीं आएंगे हम, पैसे लेके आएंगे। इधर उड़ाने के लिए तेरे पास पैसे हैं? मैं कल मांग रही थी तो मुझे एक रुपया नहीं दिया, मैनर्स ले। ससुर माँ क्या बोली आप? चुप बैठ, कान लगाओ औरत। शर्वरी क्या हुआ, कैसी बातें कर रही हो तुम सबके सामने? बातें तो मैं रोज ही करती हूँ। बातों को घुमाओ मत, चुपचाप चलो मेरे साथ। और जोया लेके गई क्या अंदर? हाँ जोया शर्वरी के घर गई। अच्छा, जोया भी शॉक हो गई होगी शर्वरी का ये स्वरूप देख के। क्या हुआ जोया, मुझे ऐसे अंदर बुला लिया? शर्वरी तुम रॉकी को बेबी बोल रही हो सबके सामने? मैं रॉकी को बेबी बुलाती हूँ? क्या बात कर रही हो शर्वरी, होशो हवास में तो हो। मुझे पता है जोया, तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा, पर रॉकी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार? प्यार का पी भी मालूम है तुम्हें? जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। कुछ नहीं पता शर्वरी तुम्हें, बौखला गई हो तुम। तुम मुझे प्यार के पाठ मत पढ़ा, जाओ अपने डांस क्लास ले लो। सुने ना तो टाइम पे आ गई है, कहीं तुम ही लेट ना हो जाओ। गुस्सा हो गई वो। शर्वरी हमें कुछ दिनों के लिए झेलना ही पड़ेगा। चलो बहनों, रॉकी आने का इंतजार करते हैं, जैसे वो आएगा धमाका हो जाएगा। असली धमाका तो तब होगा जब जेनी, अभिजीत, रॉकी बेबी और सोना दोनों को एक साथ देखेंगे। हाँ मेरे तो चिप्स कब से वेट कर रहे हैं, मेरा आ रही हूँ, निकालूंगी बाहर। सुमित्रा तुमने क्या ठान लिया है क्या सुधरने का ही नहीं? आपकी बहन है। और नहीं तो क्या? शशि बहन जैसे दिखती है ना ये, वैसी नहीं है। बराबर, चलो इंतजार करते। सुशील भाई आप हमारे घर में क्या कर रहे हैं? माफ कीजिए ये मेरा ही घर है। हाँ आपका घर? अगो भाई, हे हे हे, इधर किधर? मेरा ही घर है। तेरा घर है? जरा देख तो। हाँ मेरा। ओ सॉरी 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 सॉरी, माफ करना। क्या शर्मिला? क्या सुमित्रा? एक्सचेंज हो गए हमारे घर। जाओ जाओ। नानी 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 ना है बाओ, ए बाओ। लाती हूँ। जेनी अभिजीत दोनों सोसाइटी में है, अब हम हमारी अगली चाल खेलते हैं। तुम बाहर जाओ और जोर जोर से सोना सोना करो। सोना नहीं, सोना। वही सोना, तुमको बुलाता हूँ, आ जाना सोना।
गजब की ठंडी पड़ी है आज, बाहर निकलने का मन नहीं करता। आज कुछ ज्यादा ही ठंडे। तेरा अच्छा है, खड़े खड़े धूप आ रही है तेरे मुंह पे। हाँ मस्त लग रहा है इधर। जैसे मिस ब्यूटीफुल ने कहा था, सबको आवाज जानी चाहिए। आओ क्या सोना, शुरू हो गया सोना मोना। सोना शर्मिला कहाँ रह गई? शर्मिला बहन कहाँ रह गई? ससमा एक मिनट, हाँ कहाँ कहाँ रखती है फोन? बोलो सुमित्रा, कहाँ पे हो? कॉफी दे रही हूँ ससमा को। पहले दे तो सही, जल्दी बाहर आओ। रॉकी बेबी का सोना, सोना का बेबी, दोनों बाहर आ गए। जल्दी नहीं आओगी तो सब मिस कर दोगी। क्या बात कर रही हो? पे मैनर प्लेस। आओ आओ। आती हूँ आती हूँ। आ गई। ए कॉफी दे मेरी। सॉरी सॉरी सॉरी। सोना बाहर आओ जल्दी। हेलो। हे सोना, सोना ईश्वर बड़ी के दरवाजे के सामने क्यों सोना सोना कर रहा है? अभिजीत अभिजीत इधर तो आओ। क्या हुआ जेनी? रॉकी को देखो ना, शर्मिला के दरवाजे के आगे सोना सोना कर रहा है। क्या सोना, अब तो आ जाओ बाहर। कितना जोर से चिल्लाते हो, थोड़ा तो आवाज कम करो। रॉकी बेबी बेबी, रॉकी बेबी। शर्मिला जी अपनी रॉकी बेबी के साथ गार्डन जा रही हो? ए, क्या बोला आपने, शर्मिला का रॉकी बेबी? चाचा जी क्या हुआ, मेरे ऊपर क्यों भड़क रहे हो आप? हाँ चाचा जी, शर्मिला रॉकी को बेबी ही बोलती है। क्यों शर्मिला जी? हाँ चाचा जी, मैं रॉकी को रॉकी बेबी ही बोलती हूँ। आपको पता नहीं है क्या, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। शर्मिला जी ये क्या बातें कर रहे हैं? जी हाँ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड, वो मेरा बॉयफ्रेंड। आओ ना, शर्मिला क्या बोल रही है अभिजीत? मुझे भी नहीं पता जेनी, ये क्या चल रहा है? अभिजीत तुमको पता नहीं था क्या ये? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पता। जोया तुमको कुछ पता था? अभिजीत मुझे कुछ नहीं पता। ये तो शर्मिला बहन ने अच्छा नहीं किया, तुम उनके बचपन के दोस्त हो, तुमको तो पता ना चाहिए था। हम तो छोड़ो बाहर के हम, पर तुम तो उसके करीब के हो। सची बहन देखो कैसे आग लगा रही है। उरी बाबा क्या हो रहा है आपको? चाचा जी चाचा जी, अभी चाचा जी क्या हो रहा है? कोई देखो उनको, क्या हुआ क्या हुआ? चक्कर आ गया उनको। तो मत, कुछ नहीं होगा, मैं यू ठीक कर दूंगी। मेरे गांव में बहुत ठीक किए मैंने ऐसे लोग, माँ कनुस का हर जगह काम आता है। आपके ऊपर भी करती हूँ जी, डरिए मत, कुछ नहीं होगा आपको, माँ कनुस का। हाँ हाँ अभी उठा देती हूँ इनको। उड़ जाइए नहीं तो दुनिया से उड़ जाएंगे। कुछ मत करो, मैं ठीक हूँ, कुछ मत करो। पता नहीं लोगों को क्यों सदमे लग रहे, मैं तो आपके लिए बहुत खुश हूँ। क्या कहते हैं वो, कांग्रेचुलेशन? कांग्रेचुलेशन नहीं, कांग्रेचुलेशंस होता है। हाँ कांग्रेचुलेशंस देते, कांग्रेचुलेश कांग्री किंग कांग, शुभेच्छा, हार्दिक शुभेच्छा। सर्वरे क्या हुआ अभिजीत, जोर का झटका जोर से लगा? इतना गुस्से में क्या देख रहे हो, अपने बचपन के दोस्त के लिए खुश नहीं हो तुम? क्या बोल रही हो तुम, वो भी सबके सामने? सीरियस तो हो ना या पागल हो गए? आई एम सीरियस अभिजीत, मैंने बहुत सोचा है उसके बाद ही ये डिसीजन लिया है। शर्वरी एक दिन में किसी को कैसे प्यार हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा ना नहीं हो सकता। तुम तो रहने ही, तो प्यार के मामले में तुम कुछ नहीं जानते। तुमने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ किया है मैंने। किससे बोलो? बोल बोल बोल, बोलो ना बोलो। अपने परिवार से, माँ से, मेरे पापा से। तेरे की ऐसा ही है यार, इसी की वजह से इसकी गर्लफ्रेंड को उड़ा के ले गया रॉकी। अरे मेरा गिर गया। बदमाश, दो प्रकार के प्यार होते हैं, दोनों में फर्क होता है, समझे फुसके? तुमने मुझे फुसका बोला? मानना पड़ेगा मिस ब्यूटीफुल को, क्या एक्टिंग करती है, फिल्मों में काम करना चाहिए इसे। हे ताली साहिबा, क्या कहा तुमने मुझे? तुम श्रवण की दोस्त हो ना, आई मीन तुम दोनों सिस्टर जैसी हो, दैट्स व्हाई मैंने ये बोला। जेनी तुमको देखो कितनी उदास हो, मायूस हो, और तुमने जिसके साथ ब्रेकअप किया वो देखो दूसरे ढूंढ ली उसने,
क्या जमाना आ गया। रॉकी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है सब करने की? जैनी तुमने अपने खुशी से ब्रेकअप किया था ना, अब गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम तो बोलो ही मतलब फिर बात। खबरदार जैनी, अगर फिर से मुझे लफड़े बात बोला तो। लफड़ा तो कर दिया तुमने, अब क्या बोलती हो? मत बोलो मत बोलो, मैं तो बोलूंगी। रॉकी बेबी, जैनी तुम फिर से मेरी शोना को लफड़े बात नहीं बोलोगी। ओके रॉकी, मैं तुमसे कोई बात नहीं कर रहा। माफ करना जैनी, पर रॉकी के ऊपर तुम्हारा अभी कोई हक नहीं है। जैनी शर्वरी के घर में आइए, आपसे एक बात करनी है। जो बात करनी है इधर ही करो। इधर नहीं कर सकता मैं, लोग फ्री का तमाशा देखते हैं। तुम कहीं पे नहीं जाओगी सोना। ओए क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। तू है कौन? उसका बॉयफ्रेंड। जो भी हो मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ, उसके सुख दुख में हमेशा उसके साथ रहता हूँ। और रियली तुम तब कहा थे जब उसके पापा आए थे और उसको लेके जा रहे थे। तेरी, तुमको किसने बोला ये? बताने की क्या जरूरत है, सबको पता है उस दिन सोसाइटी में क्या हुआ। चर्वरी प्लीज मेरे साथ चलो। वो नहीं आएगी। तुम कुछ मत बोलो बीच में, उसको अपनी मर्जी से आने दो, उसको डिसाइड करने दो, समझे ना? रॉकी बेबी मैं जाऊ? चर्वरी नो। सॉरी अभिजीत, रॉकी बेबी मना कर रहा है, मैं नहीं आ सकती। चर्वरी सॉरी, माफ कर दो। सुन लिया रॉकी बेबी, चलो गार्डन में चलते। लेट्स गो। अभी मजा आएगा ना बेडू? आएगा क्या? आ ही रहा है और अब तो और आएगा।